मैं डॉक्टर अभय कुमार शर्मा, ग्राम पुष्प कमलपुरा, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ अपने पूज्य पिताजी श्री रामनाथ शर्मा तथा माताजी कुमारी मंजू का। फिर मैं नमन करता हूँ अपने गुरुओं का। तत्पश्चात मैं नमन करता हूँ वैशाली संसदीय क्षेत्र की जनता का। साथियों, आज का विषय है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आज समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि भ्रष्टाचारी भी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि या तो भ्रष्टाचारी कहीं से प्रभावित किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, या मजबूरी है उनको भ्रष्टाचार के साथ ही, भ्रष्टाचारियों के साथ ही समय व्यतीत करना। दोस्तों, भ्रष्टाचार समाप्त कैसे किया जाएगा? क्या यह पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है? क्या यह अंशतः समाप्त किया जा सकता है? यह एक सोचने का विषय है या एक मंथन का विषय है। चूंकि हमें जानना होगा कि भ्रष्टाचार का केंद्र कौन है। जहां का राजा भ्रष्टाचारी हो, वहां की प्रजा भ्रष्टाचारी होगी, यह तो सामान्य बात है। क्योंकि आज भारत में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसलिए भ्रष्टाचार की शुरुआत, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार सरकार होती है। अब साधारणता हम एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि सरकार की जो योजनाएं होती है, उस योजनाओं का 100% में से मात्र 30-35% ही क्रियान्वयन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी योजनाओं से अगर 100 रुपये किसी कार्य में खर्च करने के लिए आते हैं, तो उसमें से 30-35 रुपये खर्च किए जाते हैं। आखिर शेष 60 रुपये या 65 रुपये कहाँ चले जाते हैं? तो ये रुपए भ्रष्टाचारियों पर खर्च होते हैं, ये रुपए नेताओं और पदाधिकारियों अपने में बंदर बांट करते हैं। इस बात से भारत की सारी जनता अवगत है, लेकिन आवाज नहीं उठा पाते हैं। जो आवाज उठाते हैं उनके आवाजों को दबा दिया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को साथ देने वाले की ही संख्या अधिक है। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो कानून बनाने से भी नियंत्रित नहीं हो सकती है। वर्षों पहले दहेज कानून बनाया गया था, क्या हाल हुआ? आज स्थिति यहां तक पहुंच गई कि दहेज के कानून के बाद, दहेज कानून बनने के बाद लोग मोटी मोटी तौर पर दहेज लेते हैं, उसके बाद ही संबंध तय होता है। बिहार में आज शराबबंदी कानून है, क्या तात्पर्य है इस शराबबंदी कानून का, जो कि आज गली मोहल्लों घरों तक शराब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लोग पी रहे हैं।
तो कानून बनाने मात्र से जनता की भावना, जनता की मानसिकता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी अच्छे चीज के, किसी अच्छे बातों के क्रियान्वयन के लिए पहले तो राजा को, शासक को, शासक की मानसिकता स्वच्छ होनी चाहिए। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाबाशी पाने के लिए कानून बना दिए जाते हैं, चारों तरफ वाहवाही होती है, लेकिन अगर अंदर जाकर झांकेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भीतर वही स्थिति है। हम एक सवाल करते हैं सरकार से या आम जनता से ही कि अगर शराबबंदी कानून बना दिया गया तो चोरी छुपे 5-10% ऐसी बात होती, लेकिन आज तो स्थिति है कि हर घर पर जहां लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, शराब की डिलीवरी की जाती है। तो कहीं ना कहीं यह एक उदाहरण अत्र है, मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि अभी ताजा कानून उसी के लिए बना हुआ था। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भावना की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक अभियान की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार, पदाधिकारी और जनता तीनों जब तक इसमें एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक उस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। यह भी कहना गलत होगा कि 100% 100% भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हर युग में, हर काल में, हर समय में अच्छे बुरे लोग हुआ ही करते थे, आज भी है ही और रहेंगे ही। लेकिन आज जो स्थिति है, जो मैंने शुरू में ही कहा कि भ्रष्टाचारी भी भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है, इसका अभिप्राय यह है कि भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। उसके परिणाम बहुत बुरे प्राप्त होते हैं, परेशानी हर किसी को होती है। तो दोस्तों, आज हमारा आम लोगों से, पदाधिकारियों से, सरकार से, सभी से अनुरोध है कि एक अभियान चलाकर भ्रष्टाचार को कम से कम करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।